आरसी कुंटिया जी, उत्तम कुमार रेड्डी जी, महेश्वर रेड्डी जी, भारती विक्रमार्का जी, रेवंत रेड्डी जी, चिन्ना रेड्डी जी, सबिता इंदिरा रेड्डी जी, डीके अरुणा जी, विजय शांति जी, रामचंद्र रेड्डी जी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल के हमारे सब कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम यहां आकर, क्या हुआ, आज हम यहां आकर कोमाराम भीम की याद करते हैं। वो आदिवासियों के लिए और इस देश के लिए लड़े थे और उनके जैसे ही हम आज भीमराव अंबेडकर जी की भी याद करते हैं। और पूरा देश अंबेडकर जी की याद करता है, मगर पता नहीं क्यों यहां के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें अंबेडकर जी का नाम अच्छा नहीं लगता है। अंबेडकर प्रोजेक्ट जो इरिगेशन का प्रोजेक्ट था उसका नाम बदला और अंबेडकर जी का चीफ मिनिस्टर ने अपमान किया। और जो प्रोजेक्ट 38,000 करोड़ रुपए में बनना था उस प्रोजेक्ट को बदलकर चीफ मिनिस्टर ने एक सुनाई नहीं दे रहा भैया, दे आर सेइंग दे कांट हियर। क्या हुआ? हाँ, बाइक के ऊपर चल के वो वाइट कंडीशन हो गया, अब ठीक है, अब ठीक है। तो पूरा देश आज अंबेडकर जी की याद करता है और यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। अंबेडकर जी के नाम का एक प्रोजेक्ट, 38,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर ने बदला, नाम बदला, उसको नया नाम दिया, कलेश्वरम प्रोजेक्ट का नाम दिया और 1,00,000 करोड़ रुपए का उसका नया बजट बनाया। जो काम 38,000 करोड़ रुपए में किया जा सकता था उसे चीफ मिनिस्टर ने 1,00,000 करोड़ रुपए में बदला। और आप जानते हो अपमान किया अंबेडकर जी, मगर आप जानते हो कि 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट क्यों बना? क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं कि तेलंगाना का जो पैसा है, तेलंगाना की जनता का जो पैसा है वो आपसे छीनना चाहते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, राजीव सागर प्रोजेक्ट और इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2,500 करोड़ रुपए थी, उसकी नई कॉस्ट रीडिजाइन करके 12,000 करोड़ रुपए में चीफ मिनिस्टर ने नया प्रोजेक्ट बनाया है। तो जहां भी आप देखें चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार करते रहते हैं, पूरा का पूरा फायदा उनके परिवार को मिलता है, उनके रिश्तेदारों को मिलता है और आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को नुकसान होता है।
यूपीए की सरकार थी, आदिवासियों के लिए हम आदिवासी बिल लाए थे, आपकी जमीन की रक्षा और जो आपका है, चाहे वो जल हो, जंगल हो या आपकी जमीन हो, उसका पूरा का पूरा फायदा आपको देने के लिए हम आदिवासी बिल लाए थे। उसी प्रकार हम किसानों की रक्षा करने के लिए जमीन अधिकरण बिल लाए। पहले क्या होता था, किसी भी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर किसी भी किसान से या आदिवासी से उसकी जमीन छीन लेता था, बिना पूछे जमीन छीनी जाती थी और किसान को आदिवासी को सही रेट नहीं दिया जाता था। हम पार्लियामेंट में जमीन अधिकरण बिल लाए और बहुत लंबी लड़ाई हुई, हम लड़े और आपके लिए किसानों के लिए हम जमीन अधिकरण बिल लाए जिसके माध्यम से किसान की जमीन की रक्षा हो। बिल के आने के बाद किसान से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर किसान से जमीन ली जाए तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा किसान के बैंक अकाउंट में जाना था। दिल्ली में मोदी जी और तेलंगाना में केसीआर ने जमीन अधिकरण बिल को रद्द करा। मोदी जी ने पूरी कोशिश की कि किसान को अपनी जमीन का सच्चा पैसा ना मिले। 3 बार उन्होंने लोकसभा में जमीन अधिकरण बिल को खत्म करने की कोशिश की और हमारे जो एमपीज थे उनके खिलाफ खड़े हुए, उनके साथ हम लड़े और उनको हमने रोका। अंत में जब बीजेपी के नेताओं को मोदी जी को बात समझ आई कि कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है, तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर से कहा कि बिल को स्टेट में रद्द करो, नेशनल लेवल पे हम इस बिल को बदल नहीं सकते हैं, बिल को आप स्टेट लेवल पे रद्द करो। और उस बिल को केसीआर ने तेलंगाना में खत्म करने का काम किया। तो आज जब किसान से जमीन ली जाती है तो किसान से पूछा नहीं जाता है और किसान को सही रेट नहीं मिलता है, और जब आदिवासियों से जमीन ली जाती है उन्हें बताया नहीं जाता, उनसे पूछा नहीं जाता है, उनको धकेल के परे किया जाता है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी और तेलंगाना में आएगी तो हम आपका जो आदिवासी बिल है और जो जमीनी अधिकरण बिल है उसको हम लागू करके दिखाएंगे, और जो आपका हक है, किसानों का हक है, आदिवासियों का हक है, वो हम आपको दे के देंगे, दिलवा के दिखाएंगे। यहां पे किसानों की भी समस्या है, पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और तेलंगाना में हजारों किसानों ने आत्महत्या की। जहां भी देखो देश में किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सही दाम नहीं मिलता है, चाहे वो कॉटन की खेती हो, चाहे वो अलग चीजों की खेती हो। किसान को हिंदुस्तान में ना नरेंद्र मोदी ना केसीआर सही दाम दिलवाता है। और कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया है कि हम आपका सिर्फ कर्जा माफ नहीं करेंगे, 2 लाख रुपए तक हम आपका कर्जा माफ करेंगे, मगर सिर्फ कर्जा नहीं माफ करेंगे, आपको हम सही कपास के लिए हम आपको सही दाम दिलवाएंगे, 7,000 रुपए तक हम आपको कपास के लिए दाम दिलवाएंगे। क्योंकि इस देश को किसान ने बनाया है, मजदूर ने बनाया है, छोटे दुकानदार ने और युवा ने बनाया है। केसीआर सरकार में आए तो उन्होंने तेलंगाना के युवाओं से वायदा किया था कि हम हर परिवार को 1 रोजगार देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तेलंगाना के हर परिवार को केसीआर ने 1 रोजगार दिया है, हां या ना? केसीआर ने कहा था कि 3 एकड़ जमीन एससी और एसटी लोगों को दी जाएगी। क्या एससी और एसटी लोगों को 3 एकड़ जमीन दी गई, हां या ना? केसीआर ने कहा था कि 2 बेडरूम का घर दिया जाएगा, क्या आपको मिला?
आपको मिला दो बेडरूम का घर, 12% रिजर्वेशन एसटीज के देने की बात की थी, क्या आपको आदिवासियों को 12% रिजर्वेशन मिला? हर घर को पीने का पानी देने की बात की थी, क्या हर घर को तेलंगाना में पीने का पानी मिला? अच्छा, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने वायदा किया हर परिवार को 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में देने का, मिल गया? मिल गया किसी को? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हिंदुस्तान में हर साल रोजगार मिलेगा, मिला? किसानों को सही दाम मिलेगा, मिला? तो जहां भी केसीआर जी जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, झूठे वायदे करते हैं। आप मेरी सब स्पीच देख लो, 15 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, हमने किसानों से कहा था, हमने किसानों से कहा था हम आपका कर्जा माफ करके दे देंगे, 70,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करके दिया हमने। हमने जमीन की लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मनरेगा दिलवाया, भोजन का अधिकार दिलवाया और आपकी रक्षा की, आपका प्रोटेक्शन किया। कल भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीबों से मनरेगा छीना, हिंदुस्तान के गरीबों से नरेंद्र मोदी जी ने भोजन का अधिकार खरीद छीना, नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में अपने मित्र अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करके दिलवाया। और शायद नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं कि यूपीए की सरकार ने 10 साल में करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने का काम किया। 10 साल में यूपीए की सरकार ने सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी से निकालने का काम किया है। राफेल मामले के बारे में आपने सुना है, सुना है राफेल के मामले में? आपको याद है कि प्रधानमंत्री ने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, याद है आपको? मोदी जी ने आपको यह नहीं बताया कि वो किसकी चौकीदारी करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों की चौकीदारी की है, नीरव मोदी की चौकीदारी, मेहुल चौकसी की चौकीदारी, विजय माल्या की चौकीदारी, ललित मोदी की चौकीदारी और सबसे बड़ा अनिल अंबानी की चौकीदारी नरेंद्र मोदी जी ने की। प्रधानमंत्री गरीबों का चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी का चौकीदार है। यूपीए सरकार ने वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। राफेल हवाई जहाज को यूपीए सरकार ने 526 करोड़ रुपए में खरीदने की बात की। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 70 साल से एचएएल की कंपनी लड़ाकू विमान बना रही है हिंदुस्तान की वायुसेना के लिए। सुखोई हवाई जहाज बनाया, जैगवार हवाई जहाज बनाया, मिग हवाई जहाज बनाया, अलग अलग हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी जी के मित्र को नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया।
1600 करोड़ रुपए में हवाई जहाज खरीदा। अनिल अंबानी ने अपनी पूरी जिंदगी हवाई जहाज नहीं बनाया है। अनिल अंबानी ने 10 दिन पहले कंपनी खोली हवाई जहाज बनाने की। अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। भाइयों और बहनों, अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस गया, डेलीगेशन में गया, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कहा कि अगर फ्रांस को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो अनिल अंबानी को हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और 30,000 करोड़ रुपए का फायदा नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को दिलवाया। यह किसका पैसा था? यह तेलंगाना के किसान का पैसा था, यह आपका पैसा था। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के चौकीदार ने चोरी करके दिखा दी देश को। देश के सामने चौकीदार ने चोरी कर दी। और मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी आप बताइए आपने चोरी क्यों करवाई, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए फ्री गिफ्ट क्यों दिलवाया, आपने 45,000 करोड़ रुपए वाले कर्जे के व्यक्ति पर आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, आपने 10 दिन पहले कंपनी खोलने वाले को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, आपने हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर अपने मित्र अनिल अंबानी को क्यों दिया। जैसे मैं आपके आंख में आंख मिला रहा हूं, वैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख मिलाई। कहते थे 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, मगर जब आंख में आंख मिलाई तो कभी 56 इंच की छाती इधर देखे, कभी नीचे देखे, कभी साइड में देखे, कभी ऊपर देखे, आंख में आंख नहीं मिला पाया चौकीदार। क्योंकि चौकीदार ने हिंदुस्तान की जनता से चोरी की है, चौकीदार ने हिंदुस्तान के गरीब व्यक्ति से पैसा लेकर अपने मित्र के जेब में डाला है, इसलिए चौकीदार आंख में आंख नहीं मिला पाया। जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा फैलाते हैं, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, हिंदुस्तान को कमजोर करते हैं। कांग्रेस पार्टी सबको लेकर आगे बढ़ती है। हम चाहते हैं कि इस देश में सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ें। हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर प्रदेश के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, छोटे बड़े, सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी में। पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने लाइन में खड़ा किया। आपसे कहा था कि काले धन की लड़ाई है, काले धन को हम हटाना चाहते हैं। आपको याद होगा पूरा का पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा हुआ। नोटबंदी हुई और आपके जेब में से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसके बाद जीएसटी लागू की, मगर सच्ची जीएसटी लागू नहीं की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, और आप पूरे के पूरे छोटे दुकानदारों की जिंदगी खराब की, नष्ट किया। छोटे बिजनेसमैन, मिडिल साइज बिजनेसमैन को नष्ट किया, कमजोर किया। यहां पे तेलंगाना में बदलाव आने वाला है। केसीआर की सरकार जाने वाली है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जाने वाली है। मैं तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, मैं यहां आपसे झूठे वायदे करने नहीं आया हूं, मैं आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं। अगर आप झूठ सुनना चाहते हैं, आप जाइए केसीआर जी या मोदी जी के किसी भी भाषण में चले जाइए, आपको वहां पर झूठ सुनाई दे जाएगा। मगर मैं आपको यहां एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पे जैसे ही तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी,
जो आदिवासियों की जमीन है, जो आदिवासी का हक है, और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हम लाए थे आदिवासियों के हक को बचाने के लिए, उस एक्ट को हम एकदम लागू करके आपकी जमीन आपको वापस दिलवा देंगे। किसानों का हम 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ एकदम करके दिखा देंगे। और जो रोजगार का हमारा वायदा था, हमारा चीफ मिनिस्टर युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए 24 घंटे में से 18 घंटे अपना खून पसीना लगाकर तेलंगाना के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। और बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कांग्रेस पार्टी दिलवा देगी। आपने 5 साल जाया किए, सपना देखा था, तेलंगाना का सपना देखा था, नए प्रदेश का सपना देखा था। आपने सोचा था कि एक नया प्रदेश बनेगा, नए तरीके से काम होगा, कमजोर लोगों को जगह मिलेगी, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जगह मिलेगी और नया तेलंगाना बनेगा। पता लगा कि केसीआर जी चीफ मिनिस्टर बने, और जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने वैसे ही उन्होंने भ्रष्टाचार का काम शुरू कर दिया। वैसे नहीं, उन्होंने एक परिवार को पूरा का पूरा फायदा देने का काम किया। और जो आपका सपना था, जो तेलंगाना का सपना था, उसको चीफ मिनिस्टर ने स्वयं नष्ट कर दिया। बहुत काम बाकी है, तेलंगाना का सपना पूरा करना है, आपका सपना पूरा करना है, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मिलकर एक नया प्रदेश बनाना है, ऐसा प्रदेश बनाना है जिसमें सब लोग प्यार से, भाईचारे से रह सकें, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें किसान आत्महत्या ना करे। ये काम कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी, एक नया तेलंगाना बनाएंगे। मैं समझता हूं कि 5 साल जाया हो गए, मगर चुनाव के बाद एक नई शुरुआत होगी और नया तेलंगाना बनाकर हम आपको दिखाएंगे। गर्मी का समय है, आप सब दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।